देखिए डॉक्टर साहब ने हमको सलाह दिया कि जो हड्डी में चोट है हमारे, सलाह दिया कि आप कम से कम 3 हफ्ता बेड रेस्ट करना पड़ेगा। हमने डॉक्टर साहब को बोला है, देखो अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट करा देंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों ने आज तक देश में किया। पूरे दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री का अगर नाम है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। हर बात पे झारखंड और बिहार के लोगों के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। पहले 14 में क्या भाषण बोलते थे, भाइयों बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा, काला धन लाएगा, साल में 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। क्या हुआ उस वादे का, बताइए, वादा पूरा किया? 19 में आके कहते सब किसान भाई का भाई बनो, सब किसान भाइयों का माए दुगुना कर देंगे, सबका पक्का मकान बना देंगे, हम कारखाने खुलवा देंगे, इंडस्ट्री बढ़ा देंगे, देश का जीडीपी बढ़ा देंगे। कुछ भी वादा जो है नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, कोई पूरा नहीं किया। आज हम देवघर आए हैं, मोहनपुर आए हैं, एक काम बता दो जो नरेंद्र मोदी जी ने मोहनपुर के लिए और देवघर के लिए किया हो, तो एक काम कोई बता, कोई छोटा काम बता दो अगर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के लिए किया हो तो। कोई काम किया नहीं। अब आते हैं, क्या कहते हैं भाइयों बहनों, ये इंडिया अलायंस वाले, ये विपक्ष वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका 2 भैंस में से 1 भैंस छीन लेंगे। अरे मोदी जी मुद्दे की बात कीजिए, गरीबी महंगाई बेरोजगारी जो बढ़ गई है, आपका महंगाई का मां मुंह से नहीं निकलता, गरीबी का ग मुंह से नहीं निकलता, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता। आप हिसाब दो कि 10 साल में आपने कितने नौजवानों को नौकरी देने का काम किया है। इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, काम की बात सुननी है, और काम आपने क्या किया ये बताइए। झारखंड आए होंगे लेकिन हिसाब नहीं दिया होगा कि 10 साल उन्होंने झारखंड के लिए क्या किया, उन्होंने हिसाब नहीं दिया होगा कि अगला 5 साल अगर मिलेगा तो झारखंड के लिए क्या करेंगे। केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करके वो ठगने का काम करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से पूछना चाहते, हम लोग मंगलसूत्र छीनने वाले हैं, बताइए हाथ उठा के। एक बार खड़गे जी का जाना है, अच्छा धूप पीछे, बताओ मंगलसूत्र कब पहनाते हो, शादी में ना? अरे नौकरी लगता तब ना बढ़िया से शादी होता है। मोदी जी ने तो नौकरी लगाई नहीं तो शादी नहीं हुआ, तो लोग तो मंगलसूत्र नहीं पहना रहा है। लेकिन तेजस्वी ने 17 महीनों में बिहार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। अरे 5 लाख में से कुछ हजार लोग तो बिया किया होगा ना नौकरी के बाद, तो हम लोगों ने तो मंगलसूत्र पहनाने का अवसर दिया नौजवानों को। मोदी जी झूठा बात मत बोलिए, हम लोग जानते हैं आप झूठ बोलने के फैक्ट्री है, आप झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, आप झूठ बोलने के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अब जनता पकड़ ली है, अब आपके झूठ में फंसने वाली नहीं है, और इसलिए हम मोदी जी को बोलते हैं कि इतना बढ़िया ही झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। तो देखो यहां से गोड्डा से जो सांसद हैं, किस माइंडसेट के लोग हैं हम लोग जानते हैं, लोग नकारात्मक लोग हैं, ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। हम आप लोगों के बीच आए हैं, मोहनपुर की जनता एक होकर के प्रदीप यादव जी को हाथ के निशान पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए।
खड़गे जी ने कहा, अपना योजना बताया कि इन्होंने आगे इनको हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे गरीबों के लिए, देशवासियों के लिए। इन्होंने बताया, अपने कुर्बानी को गिनाया जो कांग्रेस ने देश को जिता, देश को आजाद कराने में जो वादा निभाया था।